अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांधी पार्क थाना के पास स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को दो युवकों ने कार में लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर लिया। ये दोनों लड़के छात्रा के पड़ोसी हैं। लिफ्ट देने के बाद एक लड़के ने लड़की को कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया, लेकिन लड़की की खुशकिस्मती से रास्ते में पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोक दी और दोनों लड़के पुलिस देखकर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। क्या हुआ आपके साथ? मुझे मोतीलाल भैया बोल रहे थे कि मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा, तो मैं एक विश्वास के ऊपर बैठी थी। मुझे नहीं मालूम कि भैया ऐसे थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बैठा लिया था। फिर उनका भैया उधर जाके मैं उनको कहे थे पीछे बैठ जाऊँगा, तो चुपचाप उन्होंने पीछे से हाथ करके रुमाल से मेरा मुँह ढक दिया, तो मुझे चक्कर आने लगे। फिर होश नहीं रहा था मुझे। क्या हुआ आपके साथ फिर? मुझे होश ही नहीं रहा था। मुझे कोई छेड़खानी की, रेप वगैरह किया कुछ आपके साथ? मुझे इतना होश नहीं था, बिल्कुल आती मुझे होश आया। पुलिस वालों की गाड़ी लगी थी, जब मैं चिल्लाने तो फेंक के गए थे मुझे। पुलिस लड़की को बेहोशी की हालात में एक निजी अस्पताल में ले गई। छात्र के साथ रेप हुआ या नहीं इसकी जांच हो रही है। बेटी के साथ ये हुआ, मैं बेटी सुबह स्कूल गई थी चंपा कॉलेज में, वहाँ से निकली है तो रास्ता थोड़ी आड़ी होगी, पुल पर चढ़ आई। पुल पर चढ़ते ही और बस गाड़ी में उसे रुमाल दिखा रही, बता मैं तो साथ गई नहीं पर, लेकिन वो बता रही उस तरीके से, मैं बता रही हूँ कि वो कह रही मेरे को एकदम रुमाल से पकड़ के एकदम मुँह में करके खींच लिया, झटका से गाड़ी में डाल लिया। फिर एक गोली लेके आई, उसे गोली खिला रही, मैंने ऐसे हाथ फड़फड़ाए तो दी मांझी वो गाड़ी चेक कर रहे, मतलब चेकिंग नहीं थी, तो शीशे में जो कर हाथ दिख रहा था, नहीं मैं फड़फड़ा रही थी बाटे में पे, तो नहीं कही उस दीमान जी ने वहाँ से ही गाड़ी लगा दी है। वहाँ पे आके पंचपटी पे आके और यहाँ पेट्रोल टंकी के पास में फेंक के चले गए। फिर गाड़ी उनने बाईपास पे डाली, वहाँ गाड़ी फंस गई। मोतीराम और गगन थे। क्या हुआ उसके साथ में, क्या हादसा हुआ? ऐसा मैं अलीगढ़ से आ रहा था, मुझे जानकारी हुई किसी गाड़ी में किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है, तो मैं मौके पर पहुँचा हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने थाने पहुंचा, थाने से फिर हॉस्पिटल में आया, जानकारी हुई कि लड़की के साथ, अभी लड़की गैर होश है, अभी बयान उसने पूरी तरह से सही नहीं किए हैं, अभी एक बार बयान और हुए उसमें, और लड़की के साथ बदतमीजी तो हुई है जब आपकी हम पुष्टि करते हैं, लेकिन कहाँ तक हुई है कि जब आपकी पुष्टि हम देते हैं, जब तक इसका पूरा डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आया। लड़की अलीगढ़ के अचलताल स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती है। उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवक को मोती और गगन ने स्कूल से लौटते समय जीटी रोड स्थित ओवरब्रिज पर उसे लिफ्ट दी थी। इससे भी मैंने बात की, उनका कहना है कि ये अपने चंपा कॉलेज में पढ़ती हैं अचलताल के पास, और वहाँ से जब ये निकली थी तो इनके परिचित दो व्यक्तियों ने जो है इन्हें लिफ्ट ऑफर की जहाँ भी ये जा रही थी। बाद में गाड़ी में जो उसमें से एक लड़के ने कुछ शायद इसे सुंघा दिया, जिसके बाद इन्हें कुछ होश नहीं है क्या घटना हुई है। इसमें जो है चेकिंग के दौरान ट्रैफिक के कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से जो है चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ लिया था, और उसके बाद जो है लड़की मिल गई है। तो इससे तहरीर लेकर पूरी पूरे मामले की जो जांच की जा रही है और उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई बात अभी लड़की ने मेंशन नहीं की है, लेकिन ये जो बताएंगी उसके आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी इन्होंने तहरीर ये बता रहे हैं, जो मामला है उसकी जांच की जा रही है, उसके बेसिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ डेस्क।